बच्चों अर्निका माउन का इसके पहले हेड खत्म हो गया था, तो आइए उसके आइज में कह रहा पेन लाइक एक्सकोरिएशन इन द आइज एंड इन द आईलिड्स विद डिफिकल्टी इन मूविंग देम रेड इनफ्लेम्ड आइज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज विथ सगिलेशन आफ्टर मैकेनिकल इंजुरीज बर्निंग इन द आइज एंड फ्लोइंग ऑफ बर्निंग टीयर्स पुपिल्स कॉन्ट्रेक्टेड हाफ ओपन आइज फिक्स्ड एक्सियस लुक ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विजन कंजक्टिवा और रेटाइनल हेमरेज विथ एक्स्ट्रा वैसेशन फ्रॉम इंजुरीज और कफ। इसके आंख में कह रहा है कि पेन होता है, अब पेन ऐसे इसके आंख में होता है जैसे लग रहा है कि एक्सकोरिएशन, जैसे वो उस जगह पे छिल गया हो उस तरीके का इसके आंख में दर्द होता है और उसके आंख में और आईलिड्स में, उसके साथ साथ जब उसके आंख में दर्द होता है एक्सकोरिएशन के टाइप का, आईलिड्स में दर्द होता है एक्सकोरिएशन के तरह का, तो उसके साथ साथ उसके आंख जो है कि मूविंग करने में उसके दिक्कत महसूस होने लगती है, परेशानी होने लगती है। इसके आंख जो है कि लाल होकर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, एकदम तप जाते हैं लाल होकर, इन्फ्लामेशन इसके आज में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन के साथ साथ सेगलेशन होने लगता है। सेगलेशन इट मीन्स कि इसके त्वचा के ऊपर एक नीले धब्बे कलर का उभर जाता है और ऐसा होता है आफ्टर मैकेनिकल इंजुरीज, जब मैकेनिकल इंजुरीज उसके आंख में हो जाते हैं तो उसके वजह से इसके जो है कि आंख में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं और उसके साथ साथ उसमें सेगलेशन हो जाता है। इसके आंख में जलन होने लगते हैं, आंख में जलन होने के साथ साथ इसके जो है कि बर्निंग टीयर्स आंख से फ्लो होने लगते हैं, जलन युक्त आंसू इसके आंख से बहने लगते हैं, पुपिल्स इसके कॉन्ट्रेक्टेड हो जाते हैं, कॉन्ट्रेक्टेड मैंने सिकुड़न से हो जाते हैं, इसके पुपिल्स जो है सिकुड़ हो जाता है, इसके जो है कि जो सोता है हाफ ओपन आईज अपने आंख को आधा खोल कर सोता है। फिक्स्ड एक्सियस लुक इसके पेशेंट जो है कि एक्सियस लुक चिंतित दिखने लगता है, चिंतित फिक्स्ड एक्सियस लुक वो देख रहा है, उसको चिंता युक्त देख रहा है। ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विजन इसके आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, कंजक्टिवा की शिकायत हो जाती है, कंजक्टिवा मतलब आंख आ जाते हैं, रेटाइनल हेमरेज हो जाते हैं, रेटाइनल हेमरेज हो जाते हैं इसके, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वैसेशन होने लगते हैं, जब इसके रेटाइनल हेमरेज होते हैं तो उसके साथ इसके जो है कि एक्स्ट्रा वैसेशन होने लगते हैं, एक्स्ट्रा वैसेशन इट मीन्स कि इसके आंख से रिसाव होने लगते हैं और ऐसा इसके वजह से होता है कि उसके या तो इंजुरीज हो गए या फिर उसके खांसी हो गए या खांसी के दरमियान या इंजुरीज के वजह से इसके आंख में ऐसी परेशानी, रेटाइनल में ऐसी परेशानी इसके होने लगते हैं। इसके अलावा आर्निका के माउंट के अलावा ऐसे सिम्टम में लीडम पाल भी है और नक्श भूमिका भी है। ये आइज हो गया, नोज में आइए, नोज कह रहा पेन एज ऑफ कंट्यूजन इन द नोज टिंगलिंग इन द नोज नोज स्वेलन विथ एक्मोसिस नजल हेमरेज इट मीन्स की एपिस्टैक्सिस अल्सरेटेड नोस्ट्रिल कोराइजा विथ बर्निंग इन द नोज कोल्ड नोज कह रहा कि इसके जो है कि नाक में दर्द होते हैं और नाक में दर्द ऐसा होता है जैसे लगता है कि नाक के भीतर चोट लग गई हो, तो नाक के भीतरी हिस्से में चोट लगने के तरह का इसके जो है कि दर्द होने लगता है, इसके नाक में टिंगलिंग होने लगते हैं, टिंगलिंग इट मीन्स कि सनसनाहट होने लगता है, नोज इसके सूज जाते हैं, नोज सूजने के साथ साथ इसके जो है कि एक्मोसिस हो जाते हैं, एक्मोसिस मतलब कि सूजने के साथ साथ वो नाक जो है कि वो नीले रंग का हो जाता है। नजल हेमरेज इसके नाक से खून बहने लगते हैं जिसको एपिस्टैक्सिस भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं अल्सरेटेड नोस्ट्रिल इसके नोस्ट्रिल में अल्सर हो जाते हैं। कोराइजा सर्दी के साथ साथ इसके बर्निंग होने लगते हैं, नोज में इसके जो है कि कोराइजा के साथ साथ बर्निंग हो जाते हैं। इसके कोल्ड नोज इसके नोज जो है कि वो कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और ये फेस
फेस पेल एंड हॉलो और येलो एंड ब्लोएटेड, हीट इन द फेस विदाउट हीट इन द बॉडी, हार्ड स्वेलिंग रेडनेस एंड हीट इन वन चीक विथ थ्रॉबिंग पेन, पस्टुलस इरप्शन ऑन द फेस चीफली राउंड द आईज, अल्सरेशन ऑफ द कर्निया नहीं अल्सरेशन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, पैरालिसिस ऑफ द लोअर जॉ। करा कि फेस इसके पेल हो जाते हैं, पेल के साथ साथ इसके हॉलो हो जाते हैं या फिर येलो हो जाते हैं या ब्लोटेड हो जाते हैं। एक करा कि फेस पेल हो जाते हैं, फीके रंग के हो जाते हैं और उसके साथ साथ पेट हॉलो हो जाते हैं, मने कि गड्ढा टाइप का हो जाता है, वो धंस जाते हैं। या फिर कह रहा है कि या तो उसके फेस पीले हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे और येलो के साथ साथ उसके फेस जो है कि वो ब्लोटेड हो जाते हैं, ब्लोटेड इट मीन्स कि तन जाते हैं, फूल जाते हैं, इसके फेस हीटेड हो जाते हैं, इसके फेस गर्म हो जाते हैं विदाउट हीट इन द बॉडी, उसके शरीर में हीट नहीं है, वो जो है कि इसके केवल फेस पे ही हीट होते हैं। हार्ड स्वेलिंग, इसके फेस स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग होकर हार्ड हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि रेडनेस, इसके फेस लाल हो जाते हैं। हीट इन वन चीक विथ थ्रोबिंग पेन, इसके एक चीक जो है कि वो हीटेड हो जाते हैं और वो हीटेड होकर वो उसमें दर्द होने लगते हैं, वो दर्द होता है थ्रोबिंग पेन। थ्रोबिंग पेन इट मीन्स कि वो जो सीरीज बॉल होता है भक करता है, उस तरह का थ्रोबिंग पेन इसके होने लगते हैं। पस्टुलस इरप्शंस हो जाते हैं इसके फेस के ऊपर, पस्टुलर इरप्शन इट मीन्स कि वो पस भरा इसके इरप्शन हो जाते हैं, दाना हो जाता है फेस के ऊपर। चीफली कह रहा है कि राउंड द आईज, चिपली कह रहा है, ये चिपली जो ये फेस के ऊपर जो इरप्शन हो रहे हैं पस्टुलस, वो चिपली कह रहा है कि अराउंड द आईज। अल्सरेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसके जो है कि माउथ मुंह के कोने पे किनारे कॉर्नर के ऊपर किनारे किनारे इसके अल्सरेशन हो जाते हैं, इसके लोअर जा पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाते हैं लोअर जा में, ये फेस है माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ विथ थ्रस्ट, सलाइवा मिक्स्ड विथ ब्लड, सेंसेशन ऑफ एक्सकोरिएशन एंड इचिंग ऑन द टंग, टंग ड्राई और लोडेड विथ ए व्हाइट कोटिंग, प्यूट्रिड स्मेल फ्रॉम द माउथ इन द मॉर्निंग। करा कि इसके जो है माउथ जो है कि वो ड्राइनेस हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, शुष्क के साथ साथ इसके प्यास लगने लगती है, सलाइवा इसके मुंह से आने लगते हैं और सलाइवा जो आता है उसमें मिक्स रहता है ब्लड, वो ब्लड के साथ जो है कि सलाइवा इसके आते हैं। सेंसेशन इसके होते हैं मुंह में एक्सकोरिएशन एंड इचिंग ऑन द टंग, इसके टंग के ऊपर इसके जो सेंसेशन हो रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे टंग छिल गया हो या फिर उसमें इचिंग हो रहा है, ऐसा इसके टंग में सेंसेशन होने लगते हैं, अनुभूति होती है। टंग इसके ड्राई हो जाते हैं, शुष्क हो जाता है और टंग के ऊपर जो है कि व्हाइट परत जम जाता है, उजला परत इसके टंग के ऊपर हो जाते हैं। प्यूट्रिड स्मेल, इसके मुंह से बहुत ही दुर्गंधित सड़े हुए गंध के तरह का इसके स्मेल होते हैं और वो होते हैं माउथ में स्पेशली इन द मॉर्निंग, ऐसा जो दुर्गंध होते हैं स्पेशली ये सुबह के दरमियान होते हैं। आई थ्रोट, सेंसेशन एज इफ there were something hard in the throat, deglutition hindered by a kind of nausea, noise while swallowing, burning in the throat with uneasiness as from internal heat, bitter mucus in the throat। कह रहा कि इसके throat में sensation हो रहा है उसके थ्रोट में ऐसा लगता है कि कुछ कड़ा चीज उसके थ्रोट में अटका हुआ है, उस जगह पे लग रहा है कि कोई कड़ा चीज जो है कि उसके थ्रोट में है।
डिग्लेशन हिंडर, डिग्लेशन इट मीन्स कि निगलना, निगलने में इसको रुकावट पैदा हो रहा है, रोक रहा है बाय ए काइंड ऑफ नौसिया। वो लगता है कि किसी तरह नौसिया की टेंडेंसी होती है, उस तरीके का इसको रुकावट आता है डिग्लेशन के दरमियान। नॉइज वाइल स्वेलोइंग, जब किसी चीज को ये निगलता है तो निगलने के क्रम में इसको लगता है कि कुछ आवाज हो रहा है, थ्रोट में इसके बर्निंग होते हैं, जलन होते हैं, अनइजनेस फीलिंग करता है, उसके साथ साथ अनइजनेस फीलिंग करता है एज फ्रॉम इंटरनल हीट। वो जो ये अनइजनेस फीलिंग कर रहा है वो मानो कि जैसे लग रहा है कि इंटरनल अंदर में उसके जो है कि हीटेड फीलिंग हो रहा है, इस तरह का उसके जो है कि अनइजनेस फीलिंग होते हैं। इसके थ्रोट के, थ्रोट में जो म्यूकस होता है वो म्यूकस का जो टेस्ट है वो बीटर टेस्ट होता है।